हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है हर्षिता शर्मा, मैं हूं आपकी पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर ओनली ऑन द चैनल जेआरएफ अड्डा। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा ह्यूमैनिटीज़ चैनल पे। ये थोड़ी सी मेरे बारे में जानकारी, मैं रिसर्च स्कॉलर हूं, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया था, ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, डिप्लोमा और कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं, कुछ एग्जाम्स क्लियर करने का भी एक्सपीरियंस है। वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, मॉडरेटिंग एंकरिंग का भी एक्सपीरियंस है। आई ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिया एज अ यूथ डेलीगेट टू यूनाइटेड नेशन ब्रिक्स एक्सेट्रा। जेआरएफ अड्डा प्रीमियम कोर्स हमारा आप सभी के लिए आ चुका है। यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की इन डिटेल पेपर वन और पेपर टू की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आपका 10 इयर्स पीवाईक्यूज विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्रैश कोर्स, स्टडी प्लानर, जॉब रिलेटेड काउंसलिंग, पीएचडी इंटरव्यू काउंसलिंग आपकी इन डिटेल आपको मिलने वाली है। ऐप हमारा डाउनलोड करें या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। इसको एनरोल करें, दिसंबर में ज़्यादा टाइम नहीं है, फ्रेश कोर्स ये आपके लिए चलने वाला है और आपको इससे बहुत 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 हेल्प मिलेगी, बिकॉज यू विल मेक श्योर दैट यू गेट सिलेक्टेड। हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम आया है उन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा है, बट बहुत कुछ ही चुनिंदा स्कोर से वो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो आपको अब स्कोर से स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 50% स्कॉलरशिप फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका 200 प्लस स्कोर रहा है, 30% स्कॉलरशिप जिनका 190 प्लस स्कोर रहा है, एंड 20% स्कॉलरशिप फॉर ऑल दो जिनका 180 प्लस स्कोर रहा है। बिकॉज हम समझते हैं कि बस आपको एक हल्के से पुश की जरूरत है एंड यू विल डेफिनेटली क्रॉस एंड क्लियर दिस टाइम द पेपर। ओके, सो ये आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमारा अवेल करें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। एंड ऑफ कोर्स बिगेस्ट रिजल्ट सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं कल, जो कि आपका 22 अक्टूबर ट्यूसडे को हमारे जो जयपुर ऑफलाइन सेंटर है, जेआरएफ अड्डा सेंटर, थर्ड फ्लोर नियर त्रिवेणी पुलिया, गोपालपुरा बाईपास के पास आइए और हम सभी के साथ सेलिब्रेट करें। डजेंट मैटर आपका पेपर क्लियर हुआ है या नहीं, वॉट मैटर्स इज यू आर हियर फॉर आर सेलिब्रेशन, आपने हमारे साथ तैयारी करी है, आए और उसका भाग बने। तो मैं बस आपके लिए जो ब्रीफ वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें बस आपसे कुछ लर्निंग्स या जो हमारी कुछ सीख रही है इस बार के जो रीनेट का पेपर हुआ है उससे, उसके बारे में मैं चर्चा आपसे करने आई हूँ। बहुत मुद्दतों बाद फाइनली हमारा रिजल्ट आउट हुआ है, उस पर काफ़ी चर्चा सब कर ही रहे हैं, सब अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बेनिफिशियल भी रहा है, बहुत अचीवमेंट्स हमने देखे हैं, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज हम देख रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन काफ़ी बच्चे हताश और निराश भी रहे और काफ़ी बच्चे ऐसे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे रह गए हैं। इस बार जो सबसे शॉकिंग चीज़ रही है, स्पेशली अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की भी बात करूँ, वो रही है हमारी कट ऑफ। कट ऑफ हैज़ बिन वेरी वेरी हाई, चरम सीमा पे भी छू रही है। जेआरएफ की अगर मैं बात करूँगी जनरल कैटेगरी से, तो इट इज़ 230 प्लस मार्क्स, इट इज़ 230 प्लस मार्क्स, ओके, 234 में भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा। सो ऑफकोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अपन को ध्यान में रखनी पड़ेगी। यदि हम दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कम से कम 235 प्लस मार्क्स को अब टारगेट करना पड़ेगा, यदि आप जनरल कैटेगरी हैं और आपको जेआरएफ आप एम कर रहे हैं। तो हमारा जो लेवल है वो अप गया है, वी कांट डिनाई दैट द लेवल हैज़ इंक्रीज्ड, द पार्टिसिपेशन और द कैंडिडेचर हैज़ बिन इंक्रीज, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन दिस हैव इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये अब कुछ चेंजेस हैं जो हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे। इसमें जो अभी इस बार थर्ड कैटेगरी ये लोग लेकर आए हैं पीएचडी, इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा सिलेक्शंस हुए हैं, इस बार 1.5 लाख से ज़्यादा इस बार सिलेक्शंस हुए हैं। इसकी वजह से सीधा सीधा अपन असर देखते हैं कट ऑफ पे, राइट। पीएचडी के कट ऑफ में ये नहीं बोलूंगी बहुत कम गई है, बट यस, जेआरएफ और पीएचडी की एक कैटेगरी में जो कट ऑफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर देखा गया है। लेकिन पीएचडी में बस वही है कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेक्शन नहीं है, यू कैन जस्ट एनरोल योरसेल्फ फॉर योर पीएचडी एडमिशन, राइट। सो दिस थर्ड कैटेगरी हैज़ मेड अ वेरी 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 बिग डिफरेंस और हमें कट ऑफ का आइडिया अब लग चुका है। तो दिसंबर 2024 के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है, हमें उसी तरह से अब तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी जीत की हम करेंगे। इसके अलावा ट्रेंड में काफ़ी चेंजेस रहे हैं। मेरी आप सभी के लिए एक सजेशन सबसे मेन रहेगा, जो भी आपका पेपर टू है उस पेपर टू के ट्रेंड एनालिसिस आप करेंगे कि इस बार किस प्रकार और किस यूनिट से बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं। यूनिट वन की भी मैं बात करूँगी, तो जैसे आपका DI हो गया, RC हो गया, इनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। आज से मतलब कुछ टाइम पहले तक क्या होता था कि जो आपके 10 यूनिट्स हैं, हर 10 यूनिट से 10 सवाल आते थे और एक प्रोपोर्शनेट मैनर में आपके सवाल चलते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब किसी यूनिट की भूमिका ज़्यादा हो जाती है, किसी यूनिट की भूमिका कम हो जाती है। तो ये जो ट्रेंड एनालिसिस है आप करके चलेंगे, यदि आपको ढंग से दिसंबर की तैयारी करनी है, दिसंबर आपको इस बार निकालना ही निकालना है। इसके अलावा पेपर वन की जो डिफ़िकल्टी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, डेफिनेटली बढ़ी है, नो नॉट डिनाइंग दैट, राइट। इसका जो कॉन्सेप्ट्स है इस पर बहुत सवाल आ रहे हैं, तो आपको पेपर वन अभी से ही कर लेना है, लास्ट वक्त के लिए पेपर वन आप नहीं छोड़ेंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करके चलते हैं पेपर टू को, लेकिन पेपर वन को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, सो यू कैन नॉट डिनाई द इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर वन। मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स और मैं इतने सारे लोगों को भी जानती हूँ
जिन्होंने पेपर टू में बहुत अच्छा करा है लेकिन पेपर वन में 50% मार्क्स भी नहीं लेकर आ रहे हैं. सो यू कैन डिनाई दैट इंपॉर्टेंस. ठीक है, पेपर वन को अभी से और ढंग से करके चले. अब वॉट नेक्स्ट वाला सवाल है. अब इसमें तीन चार कैटेगरी के बच्चे होंगे. कुछ होंगे जिनका बिल्कुल ही अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली यू हैव टू यू नो टेक अ टाइम बैक. 2 से 2.5 महीने का जो आपके पास टाइम है, बैठ के ढंग से लग के तैयारी करो. मेरे हिसाब से अभी कुछ भी नहीं करना यदि आपके इस बार बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं. फिर कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं. उनसे मैं ये बोलूँगी कि आप अपना रिसर्च प्रपोजल, या फिर अगर आपको PhD एनरोलमेंट करना है आप उसमें लग सकते हैं. आप अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करना शुरू कर सकते हैं. एंड बाय द टाइम आप जहाँ पे भी लैग कर रहे हैं आप अपने आप को पुश दें, टेस्ट्स लें, खूब सारे मॉक्स लगाएं और अच्छे से तैयारी करके नेक्स्ट अटैम्प्ट आप दे दें. राइट, बट साइमल्टेनियसली यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर PhD और योर यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर रिसर्च प्रपोजल. आप उस पर रिसर्च करना शुरू करें. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में सर बहुत सवाल आ रहे हैं. पॉलिटिकल साइंस में भी कम से कम 70% क्वेश्चंस में बोलूंगी वर मोस्टली ऑफ कोर्स दे वर बेस्ड ऑन PYQs बट दे वर वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल. बहुत ज़्यादा डॉट्स कनेक्ट करके इस बार सवाल आ रहे हैं. एंड आई एम अज्यूमिंग सारे पेपर्स का यही हाल चला है. अब जो लास्ट में आप मैराथन सेशंस के भरोसे बैठे रहते हैं, मैं ये चीज़ अभी अक्टूबर एंड आने वाला है, अक्टूबर बना रही हूँ, दिसंबर जैन में, जैन फर्स्ट वीक दिसंबर में आपका एग्जाम आने के पूरे पूरे चांसेस हैं. मैराथन के भरोसे मत बैठना. अभी आपके पास जो 1.5 से 2 महीना बचा है इसको लग के बैठ के तैयारी करो. मैराथन इज जस्ट फॉर योर रिविजन एंड दिस इज जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर फॉर यू. ठीक है, देन कंसिस्टेंसी आप बना के रखो. अभी दिवाली आ रही है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, आते रहेंगे. एक दिन दिवाली मनाइए लेकिन पढ़ाई में वापस लग जाइए. दिवाली हर साल आने वाली है. ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपनी कंसिस्टेंसी को अच्छे से बना के रखेंगे. देन PYQs तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ 10 साल के PYQs आपको देखने हैं. और PYQs कैसे कवर करने हैं, जो उसके ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को भी आप ढंग से लेके चलेंगे. और मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूंगी कि कुछ पेपर्स में जो PhD एंट्रेंस के क्वेश्चंस हो गए या फिर जो सेट के क्वेश्चंस हो गए, जो आपके स्टेट रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स होते हैं उसके जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी रेपिटेशन देखी गई है. नॉट एग्जैक्टली रेपिटेशन लेकिन वो थीम्स पे रिपीट हुई हैं. तो इनके भी आप PYQs लगाएंगे, आपकी बहुत अच्छे से इसमें क्या रहने वाली है, प्रैक्टिस रहने वाली है. मॉक्स को हाथों हाथ लगाएं. एक टॉपिक कवर किया उसका मॉक लगाया. रिविजन के लिए आप स्कोप छोड़ेंगे. रिविजन के लिए अभी से आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करेंगे, माइंड मैप्स बनाना शुरू करेंगे. सो दीज आर द लर्निंग्स. और इस बार फिर ये जो सारी स्ट्रैटेजी हम बार बार आपको बताते आए हैं, ये सारी जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ ये सारे टॉपर्स भी यही फॉलो करते हैं. हम भी टाइम टू टाइम आपको यही सेम चीज़ें ऑन रिपीट आपको बताते आए हैं. और यही इस बार फिर जो आपका जून का जून पेपर हुआ था और अभी जो सितंबर में आपका 2024 में रीनेट हुआ है उसमें भी ये चीज़ प्रूव हो गई है. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू टेक केयर वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर दिसंबर एग्जाम. लर्निंग्स हैं, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे. राइट, सो बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना है. वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडी जिन्होंने इस बार पेपर निकाला है, चाहे PhD में, चाहे नेट में, चाहे JRF में. अगर आप बॉर्डर लाइन पे रह गए तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आप वहाँ तक तो पहुँचे हैं. अब बस आपको एक पुश देना है और आप आगे निकल जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ. इसके अलावा कल हम सेलिब्रेट भी करने वाले हैं JRF अड्डा सेंटर पे हमारे अचीवमेंट्स को भी एंड लेसन्स को भी. सो थैंक यू सो मच. आई विल सी यू टुमारो. टेक केयर. और एनरोल करना ना भूलें हमारे Paper 2 पॉलिटिकल साइंस का कोर्स. आप ऐप डाउनलोड करेंगे आपको सारी डिटेल्स इन डेप्थ मिलने वाली हैं. टेक केयर, बाय बाय.